हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने 10th क्लास का और 12th क्लास का जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया है। मीन्स 30% आपका सिलेबस अब कम हो गया है। मैथ्स में 10th क्लास में भी आपका 30% सिलेबस कम हो गया है। मैथ्स में आपके 10th क्लास में कुल मिला के 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर में से कोई भी कंप्लीट चैप्टर रिड्यूस नहीं किया गया है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है 15 चैप्टर्स में से जो कम्प्लीटली हटा दिया गया हो। हर एक चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स आपके रिमूव किए गए हैं, उनमें से कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जिनमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुई है। मीन्स कोई भी टॉपिक उनमें से डिलीट नहीं हुआ है। अब सिलेबस रिड्यूस होने के बाद आपका ये पैटर्न रहेगा। कुल मिला के 10th क्लास में 7 यूनिट रहेंगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, और इनके ये मार्क्स रहेंगे। फर्स्ट यूनिट आपकी 6 मार्क्स की आएगी, 2nd 20 की, 3rd 6 की, 4th 15 की, 5th आपके 12 मार्क्स की होगी। 6th जो यूनिट है वो 10 मार्क्स की, और जो लास्ट यूनिट है 7th वो आएगी आपकी 11 मार्क्स की। कुल मिला के आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अब यूनिट वाइज क्या क्या रिड्यूस हुआ है। जो यूनिट फर्स्ट है इसमें केवल आपका चैप्टर फर्स्ट आता है, चैप्टर फर्स्ट है इसमें केवल, यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम रियल नंबर्स का जो चैप्टर है वो है। उसमें जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, जो भी एक्सरसाइज 1.1 है वो आपकी डिलीट हो गई है, वो अब आपको नहीं करनी है। उससे अलग जो भी कुछ है चैप्टर फर्स्ट में वो आपको करना है। सेकेंड यूनिट है एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपके चैप्टर आते हैं 2nd, 3rd, 4th और 5th, ये चैप्टर हैं आपके। अगर चैप्टर सेकेंड की बात करें तो चैप्टर सेकेंड में आपको 2.3 जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3 वो डिलीट हो गई है। मीन्स जो भी आपके डिवाइड के क्वेश्चन थे, जो भी डिवाइड के क्वेश्चन थे वो अब आपको नहीं करने हैं, ठीक है। 2.3 आपकी रिड्यूस हो गई। चैप्टर थ्री में लगभग क्वेश्चंस वही हैं, लेकिन एक मेथड हमने वो आपको बताया था। चैप्टर थ्री में कुल मिला के 4 मेथड है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो लास्ट का मेथड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो आपको नहीं करना है, वो आपका रिमूव हो गया है इसमें से। चैप्टर थ्री में से रिमूव हुआ है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, ये आपका रिमूव हो गया है, ये आपको नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बेस पे जो क्वेश्चंस थे वो भी नहीं करने हैं। चैप्टर थ्री में कुल मिला के 4 मेथड थे, अब 3 रह गए हैं। किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 3.4 में। तो जो एक्सरसाइज 3.4 है वो हमें करनी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्रॉस सेक्शन मेथड था वो नहीं करना है, क्रॉस सेक्शन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड था वो हमें नहीं करना है, लेकिन एक्सरसाइज 3.4 करनी है। मीन्स चैप्टर 3 में से हम ये बोल सकते हैं कि कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ है, केवल एक मेथड कैंसिल आउट हुआ है, बाकी सब कुछ करना है, ठीक है। 3.7 में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी उसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने कहा कि अब आपके सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, बाय चांस वहाँ से आ भी सकता है और ना भी आए। उसके बाद चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में से आपका कोई कुछ ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर 4 में ये कहा गया है कि जो जर्नल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे 4.3 के कुछ क्वेश्चन थे मान लिया, 6-7 से आगे के जो क्वेश्चन हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, जैसे पाइप वाला क्वेश्चन था या ट्रायंगल का था या स्क्वायर का क्वेश्चंस था, वो आपके कम हो गए हैं, वो आपको नहीं करने हैं। उसके बाद चैप्टर फोर में इससे अलग कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, कंप्लीट ही, ये मानो कि आपको कंप्लीट ही चैप्टर करना है चैप्टर फोर। चैप्टर फाइव एपी का चैप्टर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी 5.3 में, ये लगा लो आप क्वेश्चन नंबर 16 से, जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर
का जो क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टर देता है वो, उससे आगे के जो क्वेश्चंस है वो आपको नहीं करने हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। 5.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको आप इसमें बिल्कुल छोड़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पक्का नहीं आएगा। इसमें डायरेक्टली बोला गया है कि जो अप्लीकेशंस होंगी एपी की वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चैप्टर 5 में आप 5.3 के लास्ट क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 16 से लेके लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं। और चैप्टर 5 में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको आप छोड़ सकते हो। तो यूनिट सेकंड आपकी कंप्लीट हो गई। यूनिट थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर 7, ठीक है। इसमें केवल एक ही चैप्टर है जिसका नाम 7 है और उसका नाम भी यही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही। इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज हैं। तो 7.3 आपको नहीं करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो एक्सरसाइज है 7.3 वो आपकी कट हो गई अब, ठीक है, ये आपको नहीं करनी है। इसमें केवल इतना ही रिड्यूस हुआ है। उसके बाद ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आपके कुल मिला के 3 चैप्टर आते हैं। इसमें आएंगे आपके चैप्टर 6, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 6 की बात करें अगर ओवरऑल, तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ है चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में हमारे पास 2 थ्योरम हैं। पहली थ्योरम रेशो ऑफ एरियाज, जिसमें हमें यह गिवन होता था कि कोई भी 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ पीक्यूआर, ये इक्वल होता था एबी अपॉन में पीक्यू स्क्वायर इक्वल टू बीसी अपॉन में पीआर स्क्वायर, और लास्ट में होगा एसी अपॉन में यहाँ पे पीक्यूआर आएगा पीआर होल स्क्वायर। ये जो थ्योरम थी ये आपकी कैंसिल आउट हुई है, इसकी स्टेटमेंट कैंसिल आउट हुई है, ठीक है। तो हो सकता है बाय चांस इसके बेस पे क्वेश्चंस भी ना आए। ये आपकी 6.3 है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। उससे अलग कुछ भी इसमें ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं हुआ है, और कैंसिल आउट में केवल ये दिया गया है कि इसकी स्टेटमेंट कैंसिल आउट हुई है, प्रूफ वगैरह हो सकता है, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट नहीं आएगी आपको। तो चैप्टर 6 में केवल यही रिड्यूस हुआ है, यही कटा है आपका सिलेबस। चैप्टर 10 सर्कल्स, सर्कल्स में आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, जो सिलेबस था आपका एज इट इज है। चैप्टर 11 जो कंस्ट्रक्शन का है उसमें आपका कुछ डिलीट हुआ है सिलेबस। इसमें क्या डिलीट हुआ है, जैसे आपको ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल बनानी होती थी, एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको, कोई एक ऐसी ट्रायंगल है इसके ऊपर ऐसी ट्रायंगल बना दी हमने कोई पी क्यू आर, तो हमें क्या करना होता था कि 4:3 रेशो में या 2:3 रेशो में हमें वो बनानी होती थी कोई ट्रायंगल, ठीक है। 4:3 में जैसे इससे बड़ी ट्रायंगल बनती थी एक सिमिलर, और 2:3 में इससे छोटी ट्रायंगल बनती थी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपके हट गए हैं, आप डिलीट हो गए हैं, वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो चैप्टर जो यूनिट 4 है उसमें आपका ये चीज़ रिड्यूस हुई है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपका ज़्यादा कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, केवल जो वैल्यूज होती थी साइन 30 पे कितना होता है, 90 पे कितना होता है, उनमें से 2 वैल्यूज साइन 0 और साइन 90 वो आपकी डिलीट की गई है। उससे अलग जो फॉर्मूले होते थे आपके, जैसे साइन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले होते थे, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये कोस थीटा के इक्वल होता था। इस बेस पे जो एक्सरसाइज है वो आपकी नहीं आएगी, और इस बेस पे जो क्वेश्चंस है वो भी आपके नहीं आएंगे, ये डिलीट हुआ है, और 0 और 90 की वैल्यूज डिलीट हुई है। ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही डिलीट हुआ है। चैप्टर 8 है ये आपका, ठीक है, चैप्टर 8 में केवल इतना ही डिलीट हुआ है कि ये फॉर्मूले और साइन 0 कोस 0 उनकी वैल्यूज। इसके बाद इसमें चैप्टर 9 भी आता है। चैप्टर 9 में से आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, जो चैप्टर 9 था वो एज इट इज आपको स्टडी करना है। इसके बाद यूनिट 6 पे हम गए, मेंसुरेशन, इसमें आपके चैप्टर आते हैं 12 और 13। चैप्टर 12 में है
यहाँ पे हैं चैप्टर 12 और 13। चैप्टर 12 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ है। 12.2 जो एक्सरसाइज है इसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसमें जो क्वेश्चंस होते थे जहाँ पे सेंटर में एंगल बनता था एक, इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यहाँ पे एक बन गया ये एरिया, तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना होता है या फिर सेगमेंट का एरिया निकालना होता है। तो इसने कहा है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना थीटा, अगर किसी में 120 का एंगल बनता है तो वो क्वेश्चंस तो आपको आएंगे नहीं, बाकी सभी क्वेश्चंस एज इट इज है, ठीक है। तो केवल इसमें एनसीईआरटी बुक की अगर बात करें तो 3-4 क्वेश्चंस ऐसे, 3 ही क्वेश्चन है जहाँ पे थीटा की वैल्यू 120 गिवन है, तो आपको 3 क्वेश्चन इसमें से डिलीट हुए हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज है। चैप्टर 13 की अगर बात करें तो चैप्टर 13 में जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है फ्रस्टम ऑफ कोण, वो आपका डिलीट हो गया है। मीन्स 13.4 जो है एक्सरसाइज वो आपकी डिलीट हो गई है, वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद स्टेटिस्टिक्स में है, स्टेटिस्टिक्स चैप्टर 14 है आपका, ये चैप्टर 14 और 15 है, चैप्टर 14 और 15। चैप्टर 14 में आपको क्या करना है, जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है वो आपको नहीं करना है, ठीक है, और जो ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का वो आपको नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। वैसे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज काफ़ी कम करते थे, ये 11th क्लास में आपको दोबारा से पढ़ना है इसीलिए ये हटाया गया है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपका 11th क्लास में आएगा इसलिए हटाया गया है। उसके बाद लास्ट में बचा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में से आपका कुछ भी सिलेबस डिलीट नहीं हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10th क्लास का मैथ्स का जो सिलेबस आपका ज़्यादा कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, जो आपकी बुक है आपको सेम एज इट इज फॉलो करनी है, उसमें से कुछ जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उनको आप वे आपको छोड़ने हैं। मेरे हिसाब से जहाँ तक आपकी एनसीईआरटी बुक है वो आपको कंप्लीट ही करनी है, कुछ उसमें से थोड़ा बहुत छोड़ने तो लगभग कंप्लीट ही करनी है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था जो CBSE ने रिड्यूस किया है।